हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पदों के लिए 5000 वैकेंसियां निकली हैं और उस पर ऑनलाइन आवेदन 23 तारीख से चालू भी हो चुकी है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनके मन में यही क्वेश्चन है कि कहाँ से फॉर्म भरा जाए, कहाँ का कट ऑफ कम जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ से फॉर्म भरना आपके लिए, किस ज़िले से फॉर्म भरना आपके लिए सही होगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि देखते हैं कि अगली बार जहां कट ऑफ कम गया है वहीं से फॉर्म भर देते हैं, या फिर बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि यहां पे वैकेंसी ज़्यादा है तो वहां से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस ज़िले से आपको फॉर्म भरना चाहिए और वो सही होगा। तो ज़रूरी नहीं कि अगले बार जहाँ पर कट ऑफ कम गया है वहाँ इस बार भी कम ही जाए, हो सकता है ज़्यादा जाए, और जहाँ अगली बार ज़्यादा गया वहाँ कम भी जा सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि टॉप सिक्स जो पिछले साल के जो कट ऑफ गए हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले साल जो भर्तियाँ हुई थी उसमें जो 6 ज़िले थे जहाँ के सबसे ज़्यादा कट ऑफ गए थे, तो वो आपको दिख रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था, ये मैं आपको मेल कैंडिडेट्स की बात बता रहा हूँ जनरल से, तो वो गया था बूंदी ज़िले का सबसे ज़्यादा गया था 53.75। उसके बाद गया था आपका झुंझुन 52.87। फिर आपका गया था अजमेर की, तो अजमेर पे कट ऑफ बना था 52.62। और झालवाड़ में आप देख सकते हैं 50.75। कोटा शहर में 51.12। और नागौर ज़िले में आप देख सकते हैं 51 पे बना था। तो ये टॉप 6 ज़िले थे जहाँ पे अगली बार कट ऑफ कम गया था। तो अब सवाल ये है कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है या तो वहाँ की वैकेंसी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, या फिर वहाँ पे बहुत ही जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है उनका अप्लाई रहता है, वो आवेदन करते हैं वहाँ पर, जिसके कारण वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और जहाँ कम जाता है कट ऑफ, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, हो सकता है वहाँ उस शिफ्ट में पेपर हार्ड आया हो या कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इस बार भी कम ही जाए, ज़्यादा भी जा सकता है। तो आपको इन दोनों को छोड़ देना है, आपको जो मीडियम में है आपको वो पकड़ना है। तो जो मीडियम जिसका कट ऑफ लगभग, आप पिछले 1-2 साल का कट ऑफ देखिए, उसमें जिसका कट ऑफ लगभग मिनिमम रहा है, मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा और मैक्सिमम से थोड़ा कम, यानी कि जो मीडियम रहा है, तो आप वहाँ पे से फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। सब सोचते हैं कि जहाँ कट ऑफ कम गया है वहाँ अप्लाई करें, बहुत जन सोचते हैं कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ अप्लाई करें। बीच में जो बहुत सारे ज़िले हैं जिसका जो कट ऑफ है वो मीडियम रहता है हमेशा, तो आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत सटीक होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी अभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।